हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे मैंने मैसेंजर में एक पोल डाला था एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि फ्री एनरोलमेंट और उसके साथ साथ 499 का प्लान। सो 499 का प्लान एंड फ्री एनरोलमेंट के प्रोसेस का जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, और 499 का प्लान आ रहा है हमारा कल रात को। एंड बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे, बहुत सारे कॉमेंट्स थे एंड यहाँ पे बहुत सारे, इनफैक्ट 1000 से ऊपर व्हाट्सएप हमने रिसीव करे हैं 499 के प्लान के लिए। सो वो हमने बहुत मेहनत करके एक बहुत तरीके से कल हम लॉन्च कर रहे हैं एंड कल वो 7-8 बजे मेरे चैनल पे आएगा। 8 o'clock के आसपास मेरे चैनल पे उसकी स्पेसिफिक वीडियो आएगी एंड वो कल लॉन्च होगा। उसके साथ साथ हम बताएंगे फ्री एनरोलमेंट का प्रोसेस, बिकॉज मेरा बर्थडे है एंड मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। सो मुझे लगता है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गिफ्ट्स दूँ, तो दिस इज़ लाइक ऐसे हम चलेंगे। ओके, सो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं। इट्स बीइंग लाइक 7 ईयर्स आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोगों ने बहुत सारे मेरे लिए प्रेयर्स किए हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दिए हैं, मेरे पहले के क्लाइंट्स, मेरे करंट क्लाइंट्स, आप लोग सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, ब्लेस करा है एंड उसकी वजह से मैं सर्वाइव कर रही थी और कर रही हूँ और आगे हो जाएगी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन। सो अब हम बात करते हैं दीपांशी की वेट लॉस की डाइट पे। सो मुझे पता है बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, जो कि लगता है कि जिनको ऐसी फीलिंग है कि हम डिसिप्लिन हैं बट हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस जर्नी कवर कर सकते हैं ईजी। सो किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बेसिक रूल्स। नंबर वन, यू हैव टू चेक योर वेट एवरी डे इन द मॉर्निंग। कैसे? सुबह उठेंगे, चाहे जितने बजे भी उठ रहे हो, और उठने का टाइम, सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम होना चाहिए, 7:07। तो आपने सुबह उठना है 7 बजे, अपना यूरिन पास करना है, बाउल मूवमेंट क्लियर करना है। इन केस अगर आपको पॉटी आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा, जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर ऑल द क्लोथ्स एंड चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन एंड किसी भी एक बंदे को भेज दो। नहीं भेज सकते, अपने वॉशरूम के बाहर एक पूरा चार्ट लगा दो, पर्चा लगा दो, day 1, day 2, day 3 करके आपने प्रॉपर पूरा का पूरा चार्ट पे अपना वेट लॉस का जर्नी मेंशन करना है। अब उसके बाद आती है डाइट। दीपांशी के साथ, और मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जिनका वेट 100+ है, बिल्कुल जिनको अपने आप को देखना पसंद नहीं करता, लाइक दीपांशी का ये हाल था, अब इनका ये हाल है। सो आप लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी कि होपलेस हो जाना कि यार होगा नहीं होगा, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और कंसिस्टेंसी लंबे समय तक नहीं लेके चलना। जब आपको फूड में बहुत सारी ऐसी वेराइटीज चीज़ें मिलेंगी जिसको खाने के बाद आपको कोई क्रेविंग ही नहीं है, है ना, एंड आपको फील हो रहा है कि हाँ यार मैं इसको आगे तक लेके जा सकती हूँ, लेके चल सकती हूँ, जिसमें ना तो कोई फास्टिंग है, ना आपको कोई भी कड़वा और टेस्टलेस खाना मिल रहा है, आपको भूखा भी नहीं रहना, आपको टाइम टू टाइम मील्स लेनी है, और आप अपना वेइंग स्केल पर नंबर चेक करोगे तो वो गिरता हुआ डिक्रीजिंग मोड में भी आपको दिख रहा है, आपका मोटिवेशन पुश होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बैठेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार कंसिस्टेंसी नहीं बैठती, 10 किलो के बाद खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पुश करने के लिए आपको रूटीन बांधना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है मिरर में, उसके बाद हर बंदे की कंसिस्टेंसी फिक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं दीपांशी की। एक्ने प्रॉब्लम, बाल झड़ना, बिल्कुल स्किन लाइक डार्क स्किन एंड स्किन का जो कलर है वो काफ़ी शेड डार्कर होना, अब नाउ शी इज़ लाइक फ्लॉलेस, ये रही। सो इन सब चीज़ों के लिए खाने में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। सबसे पहले मसाले, मिर्ची और एक्सेस ऑयल हम क्विट कर रहे हैं, अभी से ही ना छोड़ रहे हैं। सो सॉल्ट का इनटेक लिमिटेड रखेंगे, जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। वेट चेक कर लिया आप लोगों ने, बेस्ट, नींद का ध्यान आपने रखना है, बेस्ट, एंड सबसे अलग चीज़ क्या है, स्लीपिंग पैटर्न, नींद को बहुत ज़्यादा आप अपना एक कहते हैं ना इंपॉर्टेंस दो, 7 से 8 घंटे की नींद लो। शेर के बच्चे नहीं हैं हम यहाँ पे कि 3-3 घंटे की नींद में सर्वाइव कर लेंगे, मैं ऐसा सोचती थी अपने बारे में, अब मेरी भी बॉडी कहती है कि भैया 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। ओके, अनदर पार्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको अपने हाथ में होल्ड करके चलना है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है। अगर ये अच्छा है डाइट हो जाएगी, ये अच्छा नहीं है बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, तो हमें वहाँ तक आगे ग्राफ नहीं लेके जाना, हमने आज से ही करना है। सो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर ना वेराइटीज ऑफ चीज़ें गई हैं 40 किलो लूज करने के लिए। अब मैं एक आधी चीज़ बताऊंगी तो फेयर नहीं होगा ना, आप लोगों ने ये डाइट फॉलो करनी है। सो सारी चीज़ें वन बाय वन बताएंगे। सो मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर बाल स्किन को और स्किन के कलर को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ जूसेस दिए थे। समटाइम्स रेड जूस दिया था, समटाइम्स मैंने इन्हें एशगार्ड का जूस दिया था, समटाइम्स मैंने कुकम्बर और पालक का जूस दिया था, एंड उसके अलावा कभी कभी बीच बीच में ऑल्टरनेट वीक्स में मैंने इनको दिए थे सोक्ड सीड्स के वाटर।
अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, तेज पत्ते का पानी, हमारा मेथी दाना का पानी, हमारा लेमन ग्रास टी, जितने भी सीड्स के वाटर मैं 7 ईयर से बताती आ रही हूँ वो सारे वाटर्स मैंने इन्हें मिक्स एंड मैच करके दिए थे। मेजरली मैंने फोकस किया था जूसेस पे क्योंकि स्किन का कलर बहुत डार्क था एंड उसके साथ साथ इनके जो एक्ने थे, एक्ने के मार्क्स थे, वो स्लोली 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 मुझे कम करने थे और उसके बाद हटाने थे। तो ये जो जूसेस थे उन्होंने वेराइटीज में बहुत कमाल का वर्क करा था। सो दो ड्रेसेस कम ले लेना, दो लिप शेड कम ले लेना, बट हम एक अच्छे जूसर में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के टाइमिंग पे ध्यान देना, आप सुबह जूस पी लिया मेरा पेट भर गया मैं नहीं खा रही, गलत। हमको ब्रेकफास्ट करना है 9 बजे से पहले। जो लोग ब्रेकफास्ट करेगा 10 बजे 11 बजे, अगले दिन जो आपका वेट है वो घटेगा नहीं, खत्म आपकी वेट लॉस की जर्नी। सो धरती इधर की उधर हो जाए, आपका नाश्ता होना चाहिए 9 से 9:30 बजे के बीच में। ओके, नाश्ते में हम लेंगे स्टफ चीला। ये रहा स्टफ चीला। इन सब जो भी मैं रेसिपीज बताऊंगी इन सब के लिंक्स लाइन बाय लाइन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उनमें से पिक कीजिए वीडियो एंड देखते चले जाइए एंड उनको फॉलो करते जाइए। हमारा स्टफ चीला होगा। नेक्स्ट इज हमारा वेजिटेबल उपमा होगा जिसमें मैंने ओट्स एंड सूजी एंड बहुत सारी सब्जियाँ डाल के मैंने प्रॉपर वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे डाली थी। थर्ड इज रोटी सब्जी विद दही होगा, कोई भी घर का बेसिक सब्जी। और हमारी रोटी कौन सी बनाई है मैंने, जौ और ज्वार की। मैं खाती ही नहीं हूँ वीट की रोटी, मेरे को मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए मैंने वीट ही छोड़ रखा है। बहुत ही रेयर केसेस में मुझे खानी पड़ती है या मैं मेरे बाकी मेंबर्स को भी मैं नहीं खाने देती। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे मूंग दाल की टिक्की। सो ये रही हमारी मूंग दाल की टिक्की, 3 से 4 मूंग दाल की टिक्की, साथ में आपका चाय का कप, बढ़िया चलेगा मॉनसून में। नेक्स्ट हम लेंगे ओट्स का परांठा विद मिंट चटनी। सो ये रहा मेरा ओट्स का परांठा एंड मिंट की चटनी। इन सब की रेसिपीज जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन बाय लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सब खाने का मन नहीं है और अब आने वाले टाइम में विंटर्स भी आ रहे हैं, अब हाथ मार के अगस्त ही बच गया जी, सितंबर में तो सारी सर्दियों की सब्जियां आ जाएगी। मेरे चैनल पे वैरायटीज ऑफ पराठास की रेसिपी है, आप इनमें से कोई भी पराठा पिक करेंगे बट उसमें गेहूं नहीं डलता, तो ये सारे पराठा पिक करेंगे एंड आप उसको ले सकते हो। एंड उसके अलावा भी अगर आपको ये सब खाने का मन नहीं है, किनवा की खिचड़ी होगी, हमारा दलिया हो गया, हमारा ओट्स का उत्तपम हो गया, हमारे इडली सांभर हो गया, आप इनमें से कोई भी चीज़ें पिक कर सकते हो एंड खा सकते हो। अब ये तो सारा है हमारा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन। नाउ इन सबको हमने बनाना किस में है, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल में बनाएंगे और बहुत ही कम मात्रा में मसाले डालेंगे, मिर्ची तो कतई नहीं डालेंगे। नाउ मूव करते हैं अब हम हमारे मिड ब्रेकफास्ट पे। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में जो जो लोग सोचते हैं ना, ऑफिस में मीटिंग चल रही है छोड़ देते हैं, घर पे है काम कर रहे हैं छोड़ देते हैं, सीधा लंच कर लेंगे। लंच करोगे, मिड ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो ओवर ईट करोगे, बहुत ज़्यादा खाओगे क्योंकि भूख लग जाएगी ना। बॉडी को ना भूख लगने देनी है ना प्यास लगने देनी है, हमें इतनी मात्रा में अपने बॉडी को खाना देना है कि बॉडी टाइम टू टाइम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चलाती रहे। सो अब बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट में मेरे चैनल पर वेराइटीज ऑफ लड्डूज की रेसिपीज है। या तो हम बेसन एंड कोकोनट लड्डू लेंगे, लव इट, मॉनसून के सीजन में आपको लगेगा आप डाइट पे हो। सेकेंड इज हम लेंगे ब्लैक तिल के लड्डू, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और कैल्शियम के लिए ब्लैक तिल का लड्डू। थर्ड वन इज डेट्स के साथ हम पीनट बटर लगा के खाएंगे, 2 से 4 डेट्स के साथ पीनट बटर, सारी मिट्टी की क्रेविंग खत्म और फीलिंग ही नहीं आएगी कि हम डाइट पे हैं। अब हम बात करते हैं जी लंच की। सो नाउ मूव करते हैं लंच पे। 12:30, 1 मैक्सिमम 1:30 और 2, 2 के बाद जो बंदा लंच करेगा उसका वेट लॉस नहीं होगा, अंटिल अनलेस आपकी शिफ्ट टाइमिंग ना हो ना। ओके, लंच में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पम्पकिन एंड पनीर का सैलेड। रिसेंटली मेरे चैनल पे वीडियो आई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। हमारा मसाला भुट्टा ये रहा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। थर्ड वन इज मखाना एंड ब्लैक चना का चाट, लव इट इन मॉनसून, बहुत यमी रेसिपी है, मैं आए दिन इसको खाती हूँ एंड ये भी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको। नेक्स्ट इज आपको कुछ चटपटासा टमाटर वाला खाने का मन है, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं फिर भी मैं बता देती हूँ, ग्रेवी विद वेजिटेबल्स। बहुत सारी सब्जियों को मैंने टमाटर की ग्रेवी में कुक करा है एंड बहुत यमी बनती है सच में, और थोड़ा सा लेमन डाल दोगे तो और अच्छा बनेगा। नेक्स्ट इज हम यहाँ पे लेंगे हमारा एवोकाडो टोस्ट या फिर एवोकाडो रोल या फिर सैंडविचेस। रोल की रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी, मैं बहुत अच्छे रोल बनाती हूँ, कुछ नहीं है जस्ट हमारा जौ और ज्वार की रोटी के अंदर मैं एवोकाडो रोल कर देती हूँ, उसका प्रॉपर वीडियो मैं इंस्टाग्राम की रील में डालूंगी। सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, कम वहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं खाना, लंच आप हैवी करना, लाइट लंच में मत जाना, स्मूदीज पे जाओगे क्योंकि आप हंड्रेड्स पे हो, आपको और तेज़ भूख लग जाएगी, फिर डिनर में मंचिंग हो जाएगा। और तो और अगर लंच में इनमें से कोई भी रेसिपी खाने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे वेराइटीज ऑफ दाल के चीले हैं, इनमें से कोई भी दाल का चीला बनाओ और वो खा लो। अगर ये भी खाने का मन नहीं है तो दाल की सैलेड्स हैं मेरे चैनल पर बहुत सारी, वो भी खाने का मन नहीं है। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की थी खिचड़ीज की रेसिपी जिसमें मैंने ब्लैक चना, राजमा और वाइट चना यूज़ किया था विद दलिया, किनुआ और ओट्स के साथ,
उनके मिक्स एंड मैच करके खिचड़ीज आप खा सकते हो, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इनमें से कोई भी चीज़ें पिक कीजिए, ना आपका बाल झड़ेगा ना आपको वीकनेस आएगी, और आप प्रॉपरली अपने डाइट पे स्टे कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप स्टार्व कर रहे हो, आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तब आप डाइट पे लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब बात करते हैं हम इवनिंग की। नाउ इवनिंग टी का टाइम है 4:30 से 5। हाँ, जो बंदे कहते हैं ना 7 बजे घर पहुँच के हम खा लेंगे, तो आप टाइम गैप देखो। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे आपने लंच करा है और शाम के 7 बजे अगर आप चाय इवनिंग टी ले रहे हो, कितना लंबा गैप है ना, बंदा भूख से ही मर जाए। तो इतना बड़ा लंबा गैप नहीं करना। 4:30 से 5 बजे कोई भी सीजनल फ्रूट ले लो। मैंने रिसेंटली इन्फ्यूजन टी बनाई थी मेरे चैनल पे, रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये ले सकते हो। पील टीज होती हैं बहुत वेराइटीज़ की, आप वो ले सकते हो। मेरे चैनल पे बतेरी पील टीज़ की रेसिपीज़ है, पाइनएप्पल पील टी, अनार की पील टी, मौसम्बी की पील टी, मैं वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लेमन ग्रास टी ले सकते हो। रिसेंटली मैंने गोखरू की टी डाली है, कमाल की उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, इंच लॉस अमेजिंग होता है, वो भी आप डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं डिनर की। ना सबसे क्रिटिकल चीज़ है डिनर। बंदा करता है कि ये खा लो वो खा लो, सबसे पहले ना जितने भी फूड ऑर्डर के ऐप है वो सब आप डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, वरना उस पर स्क्रॉल करते हुए देखोगे, और जितने भी आप फूड ब्लॉगरों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो उनको थोड़े टाइम के लिए अनफॉलो करते हो, उनकी रील्स मत देखना, क्रेविंग्स जागृत हो जाती है। सो डिनर का हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, 7 से 7:30 बजे के नीचे कृपया करके मत जाना। ओके, डिनर में हम ले सकते हैं टिक्कीज। नाउ वेजिटेबल टिक्कीज 2 से 4, 4 से 5 टिक्कीज की रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इतने स्वाद कटलेट बनते हैं ना, ये मज़े ही आ जाते हैं। उसके बाद हम लेंगे मैंगो रबड़ी। अब मैंगो जाने वाले हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते तो मैंगो के सीज़न का मज़ा ले लेते हैं। मैंगो रबड़ी अमेजिंग, सच में अमेजिंग, इतनी बढ़िया नींद आती है उसको लेने के बाद। थर्ड वन इज आता है खांसी जुकाम बुखार हो गया, या गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, या कुछ गर्म गर्म मिल जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लेंगे डेट्स का शीरा, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे चिया एंड ओट्स का मैंगो पुडिंग, यम्मी ठंडा ठंडा, उसका भी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी लेने का मन नहीं है, थोड़ा सा हैवी चाहिए, थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पनीर टिक्का, टिक्का मिक्स की रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको पता है मैं ये सारी रेसिपीज़ आए दिन अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ, तभी यू नो मेरा जो पूरा फेस था मोटा होने से लेकर बिल्कुल डिसकलरेशन, डार्कर स्किन, एक्ने, हेयर लॉस, वो सब मेरे इन सब रेसिपीज से, इस सब डाइट से ठीक हुआ है। एंड जब मेरे जैसे जब मेरी अब एंगेजमेंट हो गई है, मैं थोड़ा सोच के बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। दीपांशी कर गई, बबिता कर गई, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो कर गए हैं अपना वेट लॉस जर्नी कवर, आप भी कर सकते हो। सो ये सारी है डाइट, बट नाइट ड्रिंक को नहीं भूलेंगे। रात को सोने से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कुछ भी नहीं बनाने की हिम्मत, एक एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल लेके आओ अपने लिए। रात को हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से एलर्जी है कि बहुत खट्टा लगता है आपके गले में, आप सीड्स की टी लो, जीरा टी, अजवाइन टी, तेज पत्ता टी, फेनल सीड टी, या फिर आप त्रिफला पाउडर के साथ 1/2 कप गर्म पानी पी सकते हो, 1/2 चम्मच त्रिफला पाउडर के साथ। नॉर्मल वाटर हमारा रहेगा 3.5 से 4 लीटर। एंड दैट्स ऑल अबाउट द डाइट। आपने इस चीज़ को समझा है कि ये डाइट नहीं है, इट्स अ बेसिक लाइफ स्टाइल जिसको आज के टाइम पे हर बंदा फॉलो करता है। हॉस्पिटल्स में पैसे देना, ब्लड टेस्ट पे पैसे खर्चना, अपनी लाइफ स्टाइल को पुअर रखना, खाना खाने में इतने पैसे नहीं लगते जितना वेट लॉस करने में और हेल्दी लाइफस्टाइल को रखने में होता है। बट अगर आप अच्छे से सीजनल चीज़ें उठाकर अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना सीख जाओगे, आपको ज़िंदगी में किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको डाइट पे ज्ञान देगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, एंड कल के लिए एक्साइटेड रहना, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। सो या, फिंगर क्रॉस, एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट एंड सब कुछ, थैंक यू। सो आई विल सी यू सून। एंड सबका इस वेट लॉस की डाइट से लूज हो जाएगा ऑलमोस्ट 7-8 kgs इन 1 मंथ। टेक केयर जी, बाय बाय।